सो अभी आप जो देख रहे हो ना, ये मैं पैकिंग कर रही हूँ क्योंकि हमें जाना है गाँव। गाँव मतलब महाराष्ट्र जाना है। तो यहाँ पे मैं सब सामान अच्छे से देख रही हूँ कि कुछ भूल ना जाओ, क्योंकि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ शादी है। तो इसलिए मैंने प्रॉपर सारा मेकअप अपना एक पाउच में पैक कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास और भी दूसरे पाउच है, लेकिन मुझे लगता है कि ये इससे मुझे तुरंत दिखेगा कि हाँ चलो कुछ चीज़ें इसमें हैं। तो यहाँ मेरा सारा मेकअप का मैंने कहा स्टार्टिंग पहले मेकअप से कर रही हूँ, क्योंकि मेरे कुछ हमारे सामान जो मतलब कपड़े जो है वो इस्त्री में गए थे, तो मैंने कहा तब तक मैं ये। उसके बाद मुझे आधी ही पैकिंग करनी थी, क्योंकि उसके बाद मुझे मेहंदी पहनने जाना था। तो मैंने सोचा कपड़े की पैकिंग मैं कल करूँगी, क्योंकि हमें कल निकलना था। तो आज मैं यहाँ पे अपनी जो कुछ चीज़ें हैं, और मुझे आज मेहंदी और सैलून में भी जाना था। वैसे दिवाली के कारण तो कुछ करवाना नहीं था मुझे, फिर भी थोड़ी आईब्रो वाइब्रो थोड़ी बहुत मैंने कर ली थी, क्योंकि मैंने दिवाली में की थी तब से नहीं की थी। तो इस वजह से फिर मुझे सैलून जाना था, सैलून के बाद मुझे मेहंदी लगानी थी। मेहंदी वैसे मैं जब जाने वाली थी जैसे कल तब लगानी थी, लेकिन क्या हुआ ना कि कपड़े इस्त्री में से आए नहीं थे, तो फिर कल मेरे हाथ में मेहंदी रहेंगी तो फिर उससे नहीं होगा। तो इस वजह से मैं आज ही मैं मेहंदी लगवा लेती हूँ, और कल मैं अपने पूरे कपड़े की पैकिंग वैकिंग करूँगी, क्योंकि हमें कल रात को निकलना था। तो यहाँ पे देखो इस तरह से पूरा बिखरा हुआ था, और इसके बाद हम चले गए मेहंदी लगाने। और मेरी कृषा को इतना शौक है मेहंदी लगाने का, मतलब उसे नेल्स भी करवाने थे, लेकिन क्या हुआ ना कि मैंने भी नहीं करवाए थे, क्योंकि मैंने थोड़े दिन पहले ही करवाए थे, तो मेरे तो वैसे ही नेल अच्छे थे, पेंट नहीं किया था। और कृषा को करवाना था पर मेरे पास टाइम बहुत कम थे, तो इस वजह से। और यहाँ मेहंदी पहले मैंने किसी और को बोला था, लेकिन मेरा पैकिंग रह चुका जा था, तो इस वजह से हमने मॉल में ही जाके तुरंत वाली मेहंदी गिराई। और मॉल में जाने का फ़ायदा ये रहता है कि वो लोग आधे घंटे में ही आपकी पूरी मेहंदी कंप्लीट कर देते हैं। फाइनल वाली पैकिंग चल रही है, और किसमें क्या रखे क्या ना रखे, बच्चों के कपड़े मेरे इसमें, हमने ऐसा सोचा है कि शादी वाले कपड़े इसमें रखे ताकि। और हाँ, मैंने मेहंदी लगवा ली है। वैसे मुझे आज मेहंदी लगवानी थी, लेकिन वो क्या रहा है कि हमें आज निकलना है, और फिर पैकिंग के कारण फिर मुझे नहीं लगता कि शायद मेहंदी फिर लगती आज, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो आज ही मेहंदी लगा लो। तो इस तरह से लगाई है। पहले हमारा ऐसा कोई प्लानिंग नहीं था शादी में जाने का, क्योंकि इन्हें कुछ काम था, फिर उन्होंने वो काम कंप्लीट कर लिया, और फिर हमने सोचा कि चलो अब हम जा सकते हैं शादी में। तो इसलिए हमने बहुत मतलब जल्दी जल्दी में सब कुछ किया। कपड़े इतने हैं क्योंकि विंटर के कपड़े ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ बहुत ठंडी है महाराष्ट्र में इसलिए। और हम बाय रोड जा रहे हैं, तो आज ही हम निकलने वाले हैं, तो इसलिए हमें सारा पैकिंग जाना है, क्योंकि मुझे हेयर स्ट्रेटनिंग करवानी है, परमानेंट नहीं टेम्पररी, क्योंकि मुझे वैसे तो परमानेंट करवाना था, फिर मैंने कहा नहीं अभी नहीं करूँगी, बाद में फिर और पतले हो जाएंगे, इसलिए फिर मैंने अभी ऐसा सोचा है कि टेम्पररी में कर लूँ। और क्योंकि गांव में कैसा होता है ना, वहाँ पानी का कारण थोड़े बाल हमारे थोड़े मतलब अजीब से हो जाते, इसलिए मैं यहाँ से ही वॉश करके यहाँ से ही सब कुछ करके जाने वाली हूँ। ठंडी है तो इतना कुछ प्रॉब्लम तो होने वाला नहीं, हाँ अगर गर्मी होती तो काफ़ी प्रॉब्लम होती। तो अभी पूरा रूम ऐसा हो चुका है, क्या करें, शादी वाला लगना चाहिए कि हम शादी में जा रहे, कहीं जा रहे पूरा मेजी हो चुका है रूम, पता नहीं चल रहा है कौन से कपड़े कहाँ रखे, कैसे जल्दी मिले, और बच्चों की बैग अलग करे हमारी बैग करे। तो हमने ऐसा सोचा कि शादी के जो कपड़े हैं ना ये इसमें ही रखे, मतलब जितने भी हल्दी जो भी प्रोग्राम होते हैं कि ये बैग निकालो इसमें से पहनो, बाकी सबके लिए हमने रेगुलर के लिए वो दूसरी बैग रखी, और विंटर के कपड़े ये रहे जो बच्चों के ना विंटर के, क्योंकि ठंडी बहुत है वहाँ पे, तो इस वजह से हमें एक विंटर की बैग भी बनानी पड़ रही है, तो ना बच रही है। उसके बाद हम लोग ने ऐसा प्लानिंग किया कि यहाँ से हम लोग नाश्ता सब ले ले। पहले नहीं सोचा था कि चलो ले ले के आगे से या वहाँ से, फिर सोचा नहीं यहाँ से हमने नान खटाई खारी बिस्किट तो ये सारे हमने ले लिए थे। उसके बाद ये मॉर्निंग का जब हम निकल, रात को मैंने कोई सूट नहीं किया था क्योंकि जल्दी में इतने थे हम लोग, और ये मॉर्निंग का टाइम है, हम लोग रात को निकले थे 1-1.5 बजे, और यहाँ पे हम रुके थे चाय के लिए, और सच मानो हमें कहीं चाय नहीं मिली। ये कुछ 10-11 बजे का टाइम है, इन सब ने तो पहले ही पी ली थी, मैंने नहीं पी थी, तो यार ये चाय भी नहीं मिल रही थी। तो कोई गाड़ी दिखती
हाय हाय, हम अभी घूमने आए हुए हैं। हाँ हम आए हैं अभी घूमने के लिए और एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ चाय भी मिल रही है। कहाँ है? हम अभी एमपी में पहुँचे हुए हैं। अब अभी हम यहाँ से धार नहीं पहुँचे। उसके बाद हमारा सफ़र यूँ ही चलता रहा और अच्छी धूप भी थी, थोड़ी थोड़ी ठंडी भी थी। और यहाँ पे मैं सूट कर रही थी कि यार बहुत ही कम सूट किया मैंने, काफ़ी कम किया। बाबू को झूले में हमने गाड़ी में इस तरह से झूले बांध के सुला दिया। और यहाँ पे हमें एक अच्छा कुछ ढाबा टाइप मिला, तो वहाँ चाय थी और ब्रेड पकौड़े, और वहाँ के ब्रेड पकौड़े काफ़ी, ये एमपी है शायद, हाँ तो ये एमपी है। और ये 3-4 बजे फिर उसके बाद मैंने कुछ भी सूट नहीं किया और डायरेक्ट हमने यहाँ पे स्टे किया था, क्योंकि काफ़ी रात हो गई थी और रास्ता भी हम भूल चुके थे, तो इस वजह से काफ़ी रात भी हो चुकी थी, तो यहाँ हमने स्टे किया था। और रिया का उस दिन बर्थडे भी था, तो हमने इस तरह से उसको सरप्राइज़ दिया था, उसे तो पता भी नहीं था। फिर केक वेक कटिंग वटिंग की, और सच मानो हम इतना थक चुके थे कि मैंने उसको केक खिला के डायरेक्ट में हम सो ही गए। तो उस दिन तो पूरा दिन हमारा इसी तरह से ट्रैवलिंग ही रहा। मस्त ताजा नाश्ता है क्या बेटा? क्या फापड़े बेटा? तो मम्मी मैं रेडी होने जा रही हूँ, और जो कपड़े का मैंने पूरा पिटारा खोल दिया, तो अभी मैं ये पहनने वाली हूँ, त्रिशा को पहनाने वाली हूँ। सो मॉर्निंग से ही अभी मैं यहाँ सूट कर रही हूँ। काफ़ी अच्छा रिसोर्ट है, क्योंकि हमें रात को इतनी देर हो चुकी थी ना, तो इसलिए फिर हमने यहाँ स्टे करने का सोचा। यहाँ से आई थिंक 5-6 घंटे का रास्ता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे स्टे किया है। और मैं आपको बाहर का लोकेशन दिखाती हूँ। ये देखो जारविश, देखो जारविश आ रहा है। जारविश हाय कर। ये तो नहाया ही नहीं, ये लड़का है नहाता ही, और गर्म पानी नहीं आ रहा है। कौन आया? आया YouTube मनी। हाय। ये देखो रिया कैसे तैयार हुई, ठीक है फिर। ये देखो चाव आई, चाव के बाल जल गए, चाव दिखाओ। वीडियो चालू बोला आता। अरे बाप रे, एक्शन स्टार्ट। जारविश इधर आ। जकरीशा हे पा इधर आ। पयाला जारविश उस दिन हमने इतना शूट किया, फोटो वगैरह और वीडियो बनाए, क्योंकि वहाँ का लोकेशन ही बहुत अच्छा था, काफ़ी अच्छी वो रिसोर्ट था जहाँ हमने स्टे किया था। और यहाँ पे हमारे फ़ोटो चल ही रहे जाने का, तो वहाँ से हम निकल चुके थे क्योंकि हमें शादी वाले घर भी जाना था, लेकिन हम बहुत ही लेट हो चुके थे। उसके बाद ये जो ये हमारे गाँव का जाने वाला रास्ता है, जैसे हमारा गाँव लगा तो मैंने इस तरह से अपना कैमरा चालू कर दिया, और हम लोग गए थे मेरे, मतलब मेरे मीन्स कि अभी क्या बोलूँ मैं, जो मेरा ससुराल है उससे गांव बोलते हैं, जो मेरा है तो ये मेरा मायका है ऐसा कुछ बोलते हैं, पहले मुझे भी नहीं पता, फिर मुझे समझाया। तो अभी मैं मेरे मायके जा रही हूँ, मतलब
मेरे पापा का गाँव। पता नहीं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, क्या बोलूँ मैं। मेरे पापा का गाँव है, मीन्स मेरा गाँव। तो यहाँ पे हम आकोट है, तो अभी हम आकोट में यहाँ खाना वाना खा रहे थे। और सच को यहाँ का खाना काफ़ी अच्छा है। दाल, मैंने यहाँ की जस्ट दाल खाई, जो बच्चों की दाल रहती है। मुझे यहाँ का पनीर वनीर तो इतना अच्छा नहीं लगा जैसे हमारे गुजरात में रहता है, वैसा बिल्कुल नहीं था। तो यहाँ की मुझे दाल इतनी अच्छी लगी कि मैंने 3-4 बाउल इस तरह से दाल पी ली पूरी। वो दाल हमने कृषा के लिए स्पेशल मंगाई थी। और अभी जो आप देख रहे हो ना, ये हमारा प्रॉपर गांव है, तो यहाँ हम आए हैं। अभी हम हमारे गांव में आए हूँ, मतलब मेरे गांव में। देखो जारविश, पापा आराम से ही चलते। तो अभी हम हमारे गांव में हैं, है ना जारविश? वाह, तू ले ले समझते। और गांव में क्या करना है जारविश? मैंगो में। जारविश, ये क्या है? कॉटन। अभी इनको अपने दिखाते, अभी अपने दिखाते इन लोगों को, है ना? अभी तक हम लोग शादी वाले घर ही नहीं पहुँचे, है ना? आए तो हम शादी वाले घर पे, अभी तक शादी वाले घर में। पापा के घर। पापा को गाँव आना था। पापा को पराठा पाए। पापा पराठे। और ये जो देख रहे हो ना, ये मंदिर है जो हमारे गांव से थोड़ा दूर आता है। तो हमारे यहाँ पे ऐसा है कि जब भी कोई वहाँ जाता है तो यहाँ हमें जाना ही पड़ता है दर्शन के लिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ गए, दर्शन किए, फिर हमारे जो घर है, जो गांव का घर है, वहाँ गए थे। तो ये वहाँ की परंपरा है कि जब भी कोई वहाँ आता है तो यहाँ पे दर्शन के लिए जाता है। तो मैं भी काफ़ी टाइम के बाद, मैं पता नहीं लास्ट कब गई थी, मुझे भी याद नहीं है, शायद 5 साल हो गए होंगे शायद। तो उसके बाद में अभी जब 5 साल नहीं, जारविस का जब फर्स्ट बर्थडे था ना, तब मैं गई थी, तो शायद 3 साल हो गए, 3 या 2 साल हो, हाँ शायद 2 साल हो गए। तो यहाँ पे मैं गई थी, तो इस तरह से हमने वहाँ पे पूजा पाठ की। और सबसे पहले हम लोग यहीं आए थे क्योंकि हमने ऐसा प्लानिंग किया था कि अगर शादी के बाद हमारा यहाँ आना ना हुआ, किसी वजह से फिर कहीं जाना हुआ, तो सबसे पहले हम लोग इधर ही आए। तो ये मेरा मीन्स के ये मायका है, जो मेरे पापा का घर है इधर, जो गांव में रहते हैं उस तरह से। और ये यहाँ के कॉटन, ये देख रहे हो ना आप, यहाँ पर हमने बहुत सारे कॉटन, मतलब थोड़े बहुत कॉटन लिए और बहुत रील्स और वीडियो बनाए मैंने यहाँ पर। और बच्चों को तो इतनी मजा आई ना, बहुत मजा आई। तो यहाँ मैंने थोड़े बहुत मम्मी के भी इस तरह से वीडियो और रील्स बनाए। और ये एक सेट मंदिर के बीच में मंदिर है, ये जो पूरा देख रहे हो ना आप, ये कॉटन का पूरा ये खेती है। तो ये जो पूरा उसके बीच में एक सेट मंदिर है। और यहाँ से शायद आपको दिखे, वो दिखा गाँव जो देख रहे हो ना मेरे पीछे, वहाँ गांव है। और इस तरह से पूरा, और ये मेरा क्या बोलूँ मैं, यहाँ पे मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ, ये मेरा पापा का घर है, मीन्स मेरा मायका। तो ये रहा, इस तरह से है पूरा, जो यहाँ पे कोई रहता नहीं है, मतलब इसी तरह से बंद पड़ा है, यहाँ पे कोई नहीं रहता है। अगर मम्मी पापा या हम लोग आए तो यहाँ पहले हम लोग मंदिर जाते हैं, वहाँ के दर्शन करते, उसके बाद हम लोग यहाँ आते। तो ये इस तरह से मतलब बंद ही पड़ा है। कभी हमने ऐसा सोचा कि कभी हमारा गांव आना जाना रहा तो यहाँ आए, 2-3 दिन रहे, लेकिन कोई आता जाता ही नहीं है। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छे लगे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हाँ लाइक करना ना भूलिए। आगे के जो नेक्स्ट वीडियो है शादी वाले वीडियो आने वाले, तो प्लीज़ फुल वॉचिंग माई वीडियो।